केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी लाए जाने के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई ने एक रैली निकाली। रैली से पहले शहर के गांधी भवन में प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें छात्र संगठन से जुड़े छात्र नेताओं, पदाधिकारी व सदस्यों ने भाग लिया। रैली के उपरांत एनएसयूआई ने डीसी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक मांग पत्र भी भेजा। केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी लाए जाने के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई ने एक रैली निकाली। रैली से पहले शहर के गांधी भवन में प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें छात्र संगठन से जुड़े छात्र नेताओं, पदाधिकारी व सदस्यों ने भाग लिया। रैली के उपरांत एनएसयूआई ने डीसी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक मांग पत्र भी भेजा। इसके साथ ही ये मांग उठाई कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश व देश के संविधान के खिलाफ है, इसे किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाना चाहिए। एनएसयूआई ने मांग उठाई है कि ये कानून किसी जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के लिए होना चाहिए। छात्र संगठन ने मांग उठाई है कि इसे वापस लिया जाए या देश में एनआरसी लागू न किया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में इन्होंने सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार संविधान विरोधी फैसले ले रही है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने देश के गृह मंत्री को तड़ी पार तक कह डाला। ठाकुर ने कहा कि देश में आज विकास की गति कम हुई है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिसके लिए ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार इस प्रकार के जन विरोधी फैसले ले रही है। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो एनएसयूआई ऐसे कानूनों को जड़ से उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।